नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ब्रह्म कुमारीज ने चलाया मेरा उत्तराखंड व्यसन मुक्त उत्तराखंड अभियान। हजारों उत्तराखंड निवासियों को किया नशे के दुष्प्रभावों से सचेत। झारखंड के जमशेदपुर में विश्व यादगार दिवस पर ब्रह्म कुमारीज द्वारा विशाल आयोजन, सैकड़ों लोगों ने एक साथ दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर गुरबानी अ जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर संगोष्ठी, पूर्व विधायक समेत शामिल हुए कई बुद्धिजीवी। और चीन के शंघाई और ग्वांगझो शहर में आयोजित कई इवेंट्स में ब्रह्म कुमारीज ने किया पार्टिसिपेट, कॉन्सुलेट जर्नल ऑफ इंडिया ने किया एग्जीबिशन का अवलोकन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के निवासियों को नशीले पदार्थों की लत से मुक्त कराने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था ने मेरा उत्तराखंड व्यसन मुक्त उत्तराखंड अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत नशा मुक्ति की विस्तृत जानकारी मोबाइल वैन में लगे प्रोजेक्टर के माध्यम से दी जा रही है। उस सितारे में सारा दुनिया का ज्ञान भरा हुआ है। अभी तक अभियान द्वारा हजारों ग्रामवासियों और करीब 5000 बच्चों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागृति फैलाई जा चुकी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। जब आप किसी चीज के आदि हो जाते हैं तो उसके कारण होने वाले नुकसानों को जानने के बावजूद भी उसका उपयोग करना जारी रखते हैं, इसे ही कहते हैं लत। आजकल ज्यादातर व्यक्ति ऐसे ही एक लत के शिकार हैं और वो है नशीले पदार्थों के सेवन की लत। यह लत व्यक्ति के लिए जोखिम भरा है। यह व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करती है। ऐसे ही जानलेवा लत से लोगों को मुक्त कराने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान के सदस्य गढ़वाल के निवासियों को इसके दुष्प्रभावों से सचेत कर रहे हैं और इस लत से निजात पाने के लिए राज्योग मेडिटेशन सीखने की सलाह दे रहे हैं। बहुतों को इस अभियान द्वारा बताई जा रही भले की बात समझ आई है और उन्होंने अपने नशीले पदार्थों का त्याग करते हुए फिर कभी भी इसका सेवन ना करने का संकल्प किया है। अक्टूबर में इस अभियान का शुभारंभ हरियाणा के असंध सेवा केंद्र पर पूर्व मत्स्य राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल, वरिष्ठ राजयोगी बी के मेहरचंद, बी के प्रेम, बी के नीलम समेत अनेक बी के सदस्यों की मौजूदगी में हुआ था। यह अभियान अभी पहले पंजाब जोन से जुड़े उत्तराखंड के क्षेत्रों पर जागृति फैला रहा है। इसके पश्चात यह अभियान पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी झारखंड की एक खबर, जहां जमशेदपुर में विश्व यादगार दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोपाल मैदान पर आयोजित इस विशाल सभा में सर्वप्रथम सभी ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों को मौन रहकर शांति का दान दिया। इसके पश्चात जमशेदपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजू ने सभी को वाहन चलाते समय नशे का सेवन न करने का संकल्प कराया। मैं आत्मा ये शुभ संकल्प करती हूँ कि ऐसी आत्माएं जिन्होंने रोड एक्सीडेंट्स में शरीर छोड़ा है उन सभी को सच्ची शांति मिले। और समाज सेवी नीरज सिन्हा, विनीता पाणिग्राही, उद्योगपति अशोक भालोटिया, अशोक कुमार मोदी ने सभी को सुरक्षित यात्रा के लिए सजग किया। जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि हम लोग काफी स्पीड गाड़ी चलाते हैं या हाईवे पे ये देखा गया है कि पीछे वाले लोगों को सीट बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक कार लेकर के हाईवे पे जाना नहीं है, हाईवे पे जाना है तो 80 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाना है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के धमतरी, झारखंड के हजारीबाग और मध्य प्रदेश के रतलाम सेवा केंद्रों पर भी विश्व यादगार दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
सबसे पहले धमतरी की खबर, जहां सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सार्थक संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सरिता, पुलिस उप निरीक्षक शत्रुघ्न पांडे, लेडीज क्लब धमतरी की संचालिका उषा गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सरिता ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों को शांति का दान दिया। इसके बाद खबर रतलाम की, जहां डोंगरी नगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम की शुरुआत सेफ्टी के साधनों के साथ और यातायात के सभी नियमों की पालना करते हुए यात्रा करने की प्रतिज्ञा कराने के साथ हुआ। वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करेंगे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ट्रैफिक चेयरमैन प्रदीप छिपानी ने सभी को यात्रा करते समय लापरवाही न बरतने का आग्रह किया, तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बी के सविता ने जल्दबाजी को सड़क हादसे की बहुत बड़ी वजह बताया। ऐसे ही झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर सदर थाना के इंस्पेक्टर गणेश कुमार, सेवा केंद्र की प्रभारी बी के हर्षा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात लोगों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शहर में रैली भी निकाली। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर गुरबानी या जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक जगदीप सिंह, हरिनगर गुरुद्वारे के प्रधान बॉबी दुग्गल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और विषय के तहत अपने विचार प्रकट किए। ब्रह्म कुमारी मीन्स जो ब्रह्म का ज्ञान, जिन्हें पता चल गया कि परमात्मा की हिंदू मुसलमान सरदार ये वो सॉरी अब ब्रह्म का ज्ञान देने को एक कस के हम एक ओंकार सतनाम करता पूरक मेरे पा मेरे वैर काल मूरख कार्यक्रम में आगे बी के बहनों ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया। कुछ सेकंड ले अब दा ध्यान बारी गल्लां तो हटा के अपना पूरा ध्यान अपने पैरां ते ले आओ। जेड़ा भी असी चाहे ग्रंथ होवे चाहे गीता होवे कोई भी धर्म शास्त्र होवे आपां पढ़ तां लैंदे आ परंतु शायद उन्हें जीवन से तारण नहीं करते। अब कुछ खबरें एक नजर में। अमृतसर में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित हुई वर्कशॉप एम्पावरिंग माइंड टू स्टॉप नेगेटिव एनर्जी रहा चर्चा का विषय। ब्रह्मकुमारी संस्था में अमृतसर सब जोन प्रभारी बी के आदर्श के मार्गदर्शन में आयोजित थी कार्यशाला। लॉरेंस रोड सेवा केंद्र से जुड़े डॉक्टर पोपली और बी के पवन ने सभा को किया संबोधित। 250 से भी अधिक रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया लाभ। हल्द्वानी में रानीखेत स्थित गोरखा रेजिमेंट में ब्रह्मकुमारीज द्वारा अधिकारियों के धर्म पत्नियों के लिए मेडिटेशन कार्यक्रम। मंथली फैमिली वेलफेयर का था मौका। हल्द्वानी सेवा केंद्र की प्रभारी बी के नीलम समेत अन्य बी के सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कराया अभ्यास। यूपी के आगरा में गरीब बच्चों की मदद करने के लिए बी के ममता को किया सम्मानित। स्लम स्टार एकेडमी के डायरेक्टर देवराज पूत ने दिया सम्मान। पीपल मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बी के ममता ने गरीब बच्चे को प्रदान किया कंबल और गिफ्ट। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। चीन के शंघाई शहर में कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मकुमारीज के इनर स्पेस सर्विस सेंटर द्वारा दो स्टॉलों में राजयोग मेडिटेशन कोर्स एग्जीबिशन और वर्चुअल व्हील गेम लगाया गया, जिसका कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया डॉक्टर एन नंद कुमार ने अवलोकन करते हुए उत्सुकता पूर्वक जानकारी ली। ऐसे ग्वांगझो में भी कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा आयुर्वेदा एंड कल्चरल एक्सचेंज थीम पर इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मकुमारीज के डायमंड कल्चर ग्रुप को परफॉर्म करने का मौका मिला।
इस इवेंट के दौरान ग्वांगझो के कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया संभू एल हक्की से डायमंड कल्चर ग्रुप के मेंबर्स की मुलाकात हुई। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने भारतीय समुदायों के लोगों से मिलने के लिए ग्वांगझो का दौरा किया, जिनसे बी के सदस्यों ने मिलकर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों की जानकारी दी। तो वहीं बी के सपना की वीडियो कॉल के माध्यम से राजदूत विक्रम मिश्री और भारतीय समुदाय के अन्य वीआईपी लोगों से मुलाकात हुई। टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित ब्रह्मा कुमारीज रिट्रीट सेंटर पर दिवाली गेट टुगेदर धूमधाम से हुआ। बी के डॉक्टर हंसा रावल ने सभी को मुबारक देते हुए स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करते रहने के लिए प्रेरित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।